हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम विजय बंसल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आनंद बैसला। स्टूडेंट्स, एज वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट टॉपिक नंबर सेकेंड, दैट इज हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में पार्ट फर्स्ट में जो आपको बताया था, मैं उसको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो चेंज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, कुछ टाइम बाद उनको दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है, बट जो केमिकल चेंज थे वो परमानेंट चेंज थे। ठीक है स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज क्या थे? परमानेंट चेंज थे, और उसमें क्या है, एक नया सब्सटेंस बनता था, और इस नए सब्सटेंस के बनने के प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलते थे, और उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने को केमिकल इक्वेशन बोलते थे, जो इस टाइप की इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन को हम दो तरीके से लिख सकते थे, वर्ड केमिकल इक्वेशन में और दूसरा था स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम बैलेंस करना सीखते हैं कि किसी भी इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, और क्यों जरूरत पड़ती है कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस किया जाए। स्टूडेंट, इक्वेशन बैलेंस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहूँगा कि आप नंबर ऑफ एटम कैसे काउंट करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास H2SO4 है, H2SO4 है, तो इसका मतलब है कि आपके पास हाइड्रोजन के दो एटम है। देखो, हाइड्रोजन के साथ क्या है, दो एटम, और जो हमारा सल्फर है, सल्फर के साथ आपके कितने एटम है, जहां कुछ नहीं लिखा रहता उसका मतलब क्या होता है, वन, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एटम आपके पास कितने हैं, फोर है। ठीक है स्टूडेंट, तो H2SO4 में H के तो हाइड्रोजन के दो एटम है, सल्फर के एक है, और ऑक्सीजन के चार। देखो, हाइड्रोजन के साथ दो है तो दो एटम, सल्फर के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन है, और ऑक्सीजन के साथ चार है तो इसके साथ कितने हैं, वो है चार। बट अगर मैं इस H2SO4 में टू की मल्टीप्लाई करना चाहूँ, किसकी मल्टीप्लाई करना चाहूँ स्टूडेंट, टू की, तो मैंने क्या काम किया, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दी, इस पूरे के पूरे H2SO4 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी। तो अगर मैं हाइड्रोजन देखने लगूँ तो अब हाइड्रोजन क्या होंगे, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 2 4, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 4। अगर मैं S की बात करूँ, सल्फर की, तो सल्फर कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे, 2 1 2, और ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो 2 की और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं इधर, 8। तो स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। चलो एक और देख लेते हैं इसको। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करी, मैंने इसमें पूरे में 6 से मल्टीप्लाई कर दी, मैंने ले लिया 6H2SO4। तो अगर मुझसे कोई कहने लगे कि भैया आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो मैं 6 2 12 बता दूंगा। अगर मुझसे कोई सल्फर पूछेगा तो 1 है ना, तो 6 1 6 हो जाएगा, तो सल्फर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और अगर मुझसे कोई ऑक्सीजन पूछता है तो मैं कितना बताऊंगा, 6 4 6 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक तो था ये, दूसरा अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो, अगर हमें इस तरीके से एटम पूछने दे दे कोई भी, हमसे कहने लगे CuOH का होल ट्वाइस, इस तरीके से ब्रैकेट और नीचे कुछ नंबर दे देता है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो, इस नंबर का मतलब है कि इस दो की मल्टीप्लाई O में भी है, और इस दो की मल्टीप्लाई H में भी है। तो अगर मैं Cu मतलब कॉपर, कॉपर के एटम देखने लगा, तो कितने कॉपर के एटम कितने हैं स्टूडेंट हमारे पास, 1। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम देखने लगूँ यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1, और 2 यहाँ है, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 1 2। ठीक है, अगर हाइड्रोजन की बात करने लगे तो हाइड्रोजन के एटम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 यहाँ है, 2 यहाँ, तो 2 1 2। ठीक है स्टूडेंट, ये इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या लिया था, CuOH का होल ट्वाइस लिया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इस पूरे कॉपर हाइड्रोक्साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे के पूरे में क्या करें, हमने 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसके सामने 4 लिख दिया, तो 4 की मल्टीप्लाई इन सभी में होगी, तो Cu मेरे पास पहले कितने थे, Cu मेरे पास पहले थे 1, और 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 1 4
फोर हो जाएगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन मेरे पास पहले कितने थे, तो पहले इस दो की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो, पर हमने चार से यहाँ कर दिया तो चार दूनी आठ, तो जो हमारे ऑक्सीजन थे टोटल कितने हो जाएंगे, आठ। भाई अगर ये चार ना रहता तो ऑक्सीजन मेरे पास दो थे, पर इस चार से मल्टीप्लाई करते हुए कितने हो जाएंगे, चार की और दो की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, आठ आ जाएगा। उसी तरीके से मेरा जो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी पहले कितना था, सिर्फ दो थे, अब चार से मल्टीप्लाई और होगी तो कितने हो जाएंगे, आठ। तो आपको किसी भी कंपाउंड में किसी कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए, इसी की हेल्प से हम इन इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो अगर आप लोगों के मल्टीप्लाई करनी समझ में आ गई और आप लोग नंबर ऑफ एटम काउंट कर सकते हैं तो आपको इक्वेशन बैलेंस करने में बड़ी ही आसानी होगी। अब बात होती है कि सर इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने पढ़ा है कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात देखने लगूं तो इस वाली इक्वेशन में यहां कार्बन कितना, एक, ठीक है, और इधर कार्बन कितना, एक, चलो हमने मान लिया कि एक कार्बन इधर हो गया। ऑक्सीजन कितना है, दो, इधर ऑक्सीजन कितने हैं हमारा, एक, तो यहाँ ऑक्सीजन दो थे और इधर कितना, एक है, तो एक ऑक्सीजन कहाँ गया, गायब हो गया। तो हमारे क्या होने चाहिए, इधर के जितने भी वो एटम है और इधर के एटम है वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इक्वल, यानी कि अगर इधर एक कार्बन है तो इधर भी एक कार्बन होना चाहिए, इधर दो ऑक्सीजन है तो इधर भी दो ऑक्सीजन होना चाहिए। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इधर वाले को तो बोलते हैं रिएक्टेंट और इधर वाले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, यानी कि नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब इधर का नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, और इनको हम इक्वल करते हैं किससे, मल्टीप्लाई के हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना मैंने आप लोगों को सिखा ही दिया। अब बात आती है कि कुछ बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है कि सर हम एक एटम को तो बैलेंस कर देते हैं पर उसको बैलेंस करने के चक्कर में हम दूसरे वाले को अनबैलेंस कर देते हैं, इसका कोई तरीका है? देखो अगर आप रूल फॉलो करते हुए चलोगे, जो भी रूल है उसको फॉलो करोगे तो आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। बट अगर आप ऐसी हिट एंड ट्रायल लगा रहे हो कि कोई भी अपनी तरफ से तुक्का लगा रहे हो, किसी की भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपका जो आंसर है पॉसिबिलिटी है आंसर आ भी जाए और नहीं भी। अब आप लोग कहोगे कि रूल क्या है, रूल ये है कि हम सबसे पहले मेटल को ही बैलेंस करेंगे और किसी भी एटम को नहीं देखेंगे, सबसे पहले सिर्फ मेटल को बैलेंस करेंगे। अब हमारे मेटल क्या होते हैं, मेटल तो वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चल सके, जैसे लोहा हो गया यानी कि आयरन, आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से, जैसे हमारा कॉपर हो गया तांबा, Cu, ठीक है, जिस तरीके से हमारा क्या हो गया चांदी और सोना होगा, Ag और Au हो गया, हमारा हो गया जिंक हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैग्नीशियम होगा, Mg हो गया, ठीक है, इस तरीके के एलिमेंट यानी कि जो मेटल होते हैं, मेटल को हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो हम बैलेंस करेंगे वो कौन करेंगे, किसको करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल को। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में नंबर किसका आता है, ठीक है, उसके बाद में हमारा नंबर आता है नॉन मेटल का, किसका आता है स्टूडेंट, नॉन मेटल। अब ये नॉन मेटल क्या होते हैं, हमारे नॉन मेटल होते हैं जैसे हमारे जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, जैसे हमारा कॉपर हो गया, कॉपर कह रहा हूं, ये कार्बन हो गया, सी नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, और इस तरीके के जो एलिमेंट है उनको क्या बोलेंगे हम, नॉन मेटल बोलेंगे, यानी कि सल्फर हो गया, एस हो गया, ठीक है, तो जो हमारे एलिमेंट नॉन मेटल है सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल को, उसके बाद में हम क्या करेंगे, नॉन मेटल को। बट स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, आप जैसे ही मेटल के बाद में नॉन मेटल को बैलेंस करते हो तो ऐसा हो सकता है कि इसको बैलेंस करने के चक्कर में ऊपर का डिस्टर्ब हो गया हो, इसको बैलेंस करने के चक्कर में हो सकता है कि ऊपर वाला क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो आपको पहले क्या करना है, ये बैलेंस करना है, फिर ये बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करने के बाद में आपको दोबारा से फिर ऊपर जाना है, आपको दोबारा से मेटल को चेकआउट करना है कि क्या नॉन मेटल को बैलेंस करने के चक्कर में हमने इसको तो डिस्टर्ब नहीं कर दिया, और अगर इसको डिस्टर्ब कर दिया तो आप दोबारा से फिर इसको फिर से सही करोगे, फिर इस पे आओगे। ठीक है स्टूडेंट,
यानी कि पहले इसको करना है फिर इसको करना है। इसको करने के बाद में चेक जरूर करना है कि हमारा इसको बैलेंस करने के चक्कर में हमारा ऊपर वाला तो गलत नहीं होगा। उसके बाद में आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, बट ऑक्सीजन को बैलेंस चेक करने के बाद जैसे आपने ऑक्सीजन को बराबर कर दिया, तो ऑक्सीजन को बराबर करने के बाद में फिर आपको दोबारा से यानी कि हर स्टेप के बाद में आपको ऊपर वो वाला हिसाब है कि एक काम किया तो फिर उसके इस काम को करने से पहले पिछले वाले काम को देखेंगे कि इस काम ने हमारा पिछले वाला काम तो खराब नहीं कर दिया। अगर खराब हो गया तो उसको सही करो पहले, फिर आगे जाना है। फिर थर्ड काम यानी कि आपको ऐसे करना है, आपके लिए चार काम है, 1, 2, 3 और 4। आपको पहले फर्स्ट वाला काम करना है, कर दिया आपने फर्स्ट वाला काम, उसके बाद में आपको सेकंड वाला काम करना है। सेकंड वाला काम करने के बाद में आपको देखना है कि क्या सेकंड करने के चक्कर में मैंने फर्स्ट तो खराब नहीं कर दिया, और अगर फर्स्ट अगर खराब है तो उसको दोबारा से सही करो। फिर थर्ड पे आओ, थर्ड को करने के बाद में आपको फर्स्ट भी देखना है सेकंड भी देखना है कि ये तो सही है, अगर ये दोनों सही है तो तभी आप फोर्थ पे जाओगे। यानी कि इस रूल को फॉलो करना है, सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले मेटल, ये बात याद रहेगी, मेटल, मेटल के बाद नॉन मेटल। बट नॉन मेटल बैलेंस करने के बाद में आपको वापस से कहां जाना है, मेटल पे, ये तो सही नहीं है। अगर इसको सही करने के बाद हम फिर कहाँ आएंगे, ऑक्सीजन पे। बट ऑक्सीजन को चेक कर बराबर करने के बाद में आपको इन दोनों को देखना है कि क्या ये दोनों भी बराबर हैं। अगर ये दोनों भी बराबर है तो फिर आप हाइड्रोजन पे जाओगे, बट हाइड्रोजन को करने के बाद में आपको फिर इन तीनों को चेक करना है, ठीक है, कि वो जो आपने किया है वो सही है या वो गलत है। चलो देखते हैं कि हम इनको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने रूल याद रखेंगे, सबसे पहले मेटल फिर नॉन मेटल, ठीक है। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं ऊपर, जिससे जब मैं इक्वेशन बैलेंस करूंगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, मेटल, उसके बाद में नॉन मेटल, उसके बाद में O2, और सबसे बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यानी कि ये होता है आपका रूल, और आप इसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आपको इसी रूल को फॉलो करना है। तो चलो पहली वाली इक्वेशन फॉलो बैलेंस करते हैं, सी प्लस ओ टू इज इक्वल्स टू सी ओ। सी ओ है, सी ओ टू नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सी ओ। हमको इसी वाली इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मेटल, क्या इसमें कोई मेटल है, नहीं है, चलो काम खत्म हो गया, इसमें मेटल ही नहीं है। उसके बाद में किसका नंबर आता है, नॉन मेटल का। नॉन मेटल क्या है, कार्बन। कार्बन यहाँ कितनी है स्टूडेंट्स, एक, और इधर कार्बन कितनी है, एक। बैलेंस है, तो चलो ये बैलेंस, ये भी इसका काम खत्म और इसका भी काम खत्म। अब हमें कहाँ जाना है, ऑक्सीजन पे। कहाँ जाना है, ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन इधर कितनी है, इधर ऑक्सीजन है सर दो, और इधर ऑक्सीजन कितनी है, एक। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, इधर दो है, इधर कितनी है, एक है। तो हम क्या काम करते हैं, जो कम है ना उस कम वाली में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कम वाली में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, जो ये दो हो जाए तो दो की मल्टीप्लाई कर दे इसमें, और मल्टीप्लाई कहाँ लिखी जाती है, आगे। तो मैंने दो से मल्टीप्लाई कर दी, बट मैंने कहा अब यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, दो। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, दो। तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। पर मैंने कहा था कि ऑक्सीजन पहला ये काम करने के बाद में पीछे वाला देखना होता है कि वो हमने सही कर रखा है या नहीं। यानी कि ऑक्सीजन को करने के बाद में आपको नॉन मेटल देखना। नॉन मेटल क्या था, कार्बन। अब कार्बन देखते हैं कि क्या कार्बन हमारे बराबर हैं। तो इधर कार्बन एक है, और इधर कार्बन कितनी है, दो है। कार्बन कितने इधर, दो। तो क्या कार्बन बराबर है, नहीं है। तो जो कम होते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कम कौन है, ये। कितने की मल्टीप्लाई करनी है, दो की। तो इधर भी दो की मल्टीप्लाई कर दी। तो स्टूडेंट्स अब आप देखो कार्बन, अब देखते हैं इसको चेक करते हैं, फिर तब तक कर इस रूल को तब तक फॉलो करेंगे तब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। अब देखो कार्बन कितनी है, दो। ऑक्सीजन कितनी है, दो। इधर भी कार्बन कितनी है, दो, और ऑक्सीजन कितनी है, दो। तो सभी चीज बराबर है या नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Mg3N2+H2O=MgOH2+NH3। आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो चलो बैलेंस करते हैं अपने रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम मेटल देखते हैं। मेटल इधर क्या है, Mg। तो Mg आप देखोगे 3। Mg 3 का इसका मतलब Mg कितने हैं, इधर 3, और इधर Mg कितना है हमारा,
एक, तो क्या करेंगे जो कम है उसमें मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, तीन से, तो ये कर दिया मैंने तीन से मल्टीप्लाई, तो एम जी क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। चलो आपने एम जी को बैलेंस कर दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या है हमारा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन इधर कितने हैं, दो, और इधर नाइट्रोजन कितना है स्टूडेंट आपका, एक। अब क्या करोगे कम वाले में मल्टीप्लाई करके बराबर कर दोगे, तो दो बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर दो से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ये होगा 2NH3, ये कितना होगा 2NH3। बट रूल क्या कहता है, जब हम नॉन मेटल को कर लेंगे बैलेंस तो हम वापस से मेटल को देखते हैं। अब मेटल देखो इधर कितने हैं, तीन, इधर कितने हैं, तीन, यानी कि मेटल भी बैलेंस नॉन मेटल भी बैलेंस। अब बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। चलो ऑक्सीजन को देखते हैं, इधर ऑक्सीजन कितनी है, वन, इधर ऑक्सीजन देखते हैं भाई, अगर ये थ्री ना होता तो दो एकम दो, दो थी ये और दो तिया छः, तो छः तो ऑक्सीजन हो गई हमारी यहाँ, और यहाँ कितनी हमारी एक, तो क्या काम करेंगे इधर भी हम छः बना लेंगे, बन गया है पीछे, ठीक है। अब दोबारा से हम ऑक्सीजन कर लिया तो अब हम पीछे से चेक करते आएंगे, मेटल देखते हैं, मैग्नीशियम कितने है, तीन, इधर भी कितने है, तीन, बैलेंस है भाई। उसके बाद में नॉन मेटल, इधर नाइट्रोजन कितनी है, दो, इधर भी कितने हैं, दो, बैलेंस। उसके बाद में हमारे क्या आ गया, ऑक्सीजन तो हमने अभी की है तो वो तो बैलेंस है ही। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, अगर ये तीन ना हो तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, दो एक दो, तो यहाँ दो थे और तीन की मल्टीप्लाई होगा तो तीन दो नहीं छः, छः तो यहाँ है और छः ही इधर है, तो यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन क्या है हमारी स्टूडेंट, बैलेंस, ठीक है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, क्या दे रखा है, CuO+NH3 इज इक्वल टू Cu+N2+H2O। आपको ये वाली इक्वेशन बैलेंस करनी है। रूल क्या कहता है, पहले मेटल देखते हैं, मेटल का मतलब यहाँ कॉपर से है तो कॉपर एक है और इधर भी कॉपर आपका क्या है, एक है। उसके बाद में आपको किसको देखना है, नॉन मेटल, नॉन मेटल मतलब नाइट्रोजन हो गया, तो यहाँ कितना एक है और यहाँ कितने आपके दो हैं, तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल, इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे कम वाले में मल्टीप्लाई, तो कम वाले में मल्टीप्लाई का मतलब इधर हो गया 2NH3, तो आपके नॉन मेटल भी क्या हो गए, इक्वल। बट नॉन मेटल करने के बाद में हमें दोबारा मेटल को चेक करना होता है, तो यहाँ एक है यहाँ एक है, ये तो हमने बैलेंस कर लिए। उसके बाद नंबर आता है किसका, ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर कितनी है हमारी, एक, इधर ऑक्सीजन कितनी है हमारी, एक, बैलेंस है भाई ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद में हमने कुछ किया तो नहीं ऑक्सीजन के साथ, नहीं। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें हाइड्रोजन को चेक करना है, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इधर कितनी है, तीन दो नहीं छः, और इधर कितनी है, दो, क्या करना है कम वाले में मल्टीप्लाई, तो इस दो में किससे मल्टीप्लाई करें कि छः हो जाए, तो हमने क्या काम किया, तीन से मल्टीप्लाई कर दी, तीन दूनी छः, इधर भी क्या हो जाएंगी छः, तो ये हो गई हमारी हाइड्रोजन बैलेंस। बट हमें पता है हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद में हमें पीछे का चेक करना है सारा का सारा, तो चलो भाई चेक करते हैं। अब हमने जब चेक कर रहे हैं तो हमने देखा एक कॉपर बैलेंस, फिर नाइट्रोजन देखा दो नाइट्रोजन, ये भी पूरा। अब देखते हो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, एक, इधर कितनी हो गई हमारी, तीन, कितनी हो गई हमारी इधर, तीन, तो इसे तीन करने के लिए इसमें क्या करेंगे, तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी हमारी, बैलेंस हो जाएगी। चलो भाई ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, बट जैसे ही हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर दी तो अब हमें इस ऑक्सीजन से पीछे के देखने पड़ेंगे, यानी कि मेटल को और नॉन मेटल को देखना होगा। अब मेटल को देखो, मेटल क्या है, कॉपर, कितने हैं, तीन, और इधर कितना है, एक, तो इसमें क्या कर देंगे, तीन से मल्टीप्लाई, बात क्लियर है। अब देख दो, अब देखो ये इक्वेशन आपकी सारी की सारी हो गई बैलेंस, ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी पूरी की पूरी बैलेंस। देखो कॉपर कितनी है, तीन, इधर भी कितनी है, तीन, नाइट्रोजन कितनी है, दो, इधर भी कितनी है, दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने इधर, तीन, इधर भी कितने आपके, तीन, हाइड्रोजन की बात करते हैं, तीन दूनी छः और तीन दूनी छः, यानी कि हाइड्रोजन भी क्या है आपकी बैलेंस। तो स्टूडेंट्स आपको यही रूल फॉलो करना है, मेटल के बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद में हाइड्रोजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Al4C3, ठीक है स्टूडेंट, प्लस H2O
is equal to CH4 plus ALOH का whole 3 आइस। चलो स्टूडेंट बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मेटल, मेटल का एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इधर 4 है और इधर एल्यूमिनियम 1 है, तो इसको 4 बना लेंगे हम। 4 अब कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके, चलो एल्यूमिनियम बन हो गया हमारा बैलेंस। उसके बाद में हमें क्या देखना है, उसके बाद में आता है हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब कार्बन। कार्बन कितनी है स्टूडेंट, इधर हमारे 3, इधर कितना है 1, तो इसमें मैंने कर दी 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब चेक कर लो टोटल। इसको करने के बाद में इसे भी चेक करते हैं ना, तो ये 4 है, 4 है भाई। ये कितना हमारा 3 है, तो ये भी कितना हमारा 3 है, यानी कि यहां तक हमारा अभी तक फिट हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितनी है इधर 1, इधर ऑक्सीजन देखते हैं 3, तो पहले इसके बिना तो 3 थी, 3 की मल्टीप्लाई ओमा हो जाएगी तो 3 आ जाएगा, और 3 चौक 12, इधर कितने हैं 12, तो इधर भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए थे 12, तो लो भाई हमने 12 कर दिया इधर। अब ऑक्सीजन को कर दिया, तो ऑक्सीजन को करने के बाद में हमें पीछे इन दोनों को देखना है, तो चलो भाई स्टूडेंट देखते हैं इन दोनों को भी। यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं हमारे 4, 4 हैं, इधर भी 4, फिर कार्बन कितनी है 3, तो इधर भी कितनी है 3। ठीक है, अब ऑक्सीजन इधर कितनी है 12, 4 × 8 = 12, ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ है 12, यानी कि यहाँ तक हो गया हमारा फिट। अब बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन है, कि हाइड्रोजन को करते हैं। हाइड्रोजन इधर कितने हैं हमारे 12 × 24, इधर देखते हैं 3 चौक 12, और 3 चौक 12, तो 12 12 टोटल कितना है 24, यानी कि इधर भी 24 और इधर भी 24, तो पूरी इक्वेशन क्या है आपकी, ये बैलेंस हो गई। ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है MnO2 plus HCl is equals to MnCl2 plus H2O plus Cl2। ठीक है स्टूडेंट, इस वाले इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले आप मेटल देखोगे, मेटल क्या है Mn, इधर भी Mn कितना 1 और इधर भी Mn क्या है 1, आपकी इक्वेशन क्या हो गई पूरी की पूरी बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट, चलो उसके बाद में मेटल के बाद में क्या आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल इधर कितना है कैल्शियम, कैल्शियम ये क्लोरीन, क्लोरीन कितना है 1, 2 क्लोरीन इधर है, 2 क्लोरीन इधर है, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो इधर भी कितने होने चाहिए थे 4, तो 4 करने के लिए क्या काम करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ये कर दिया आपका 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में जब आपने नॉन मेटल को कर लिया, तो मेटल को चेक कर लो, मेटल अब भी 1 है और इधर भी 1 है, बराबर है, नॉन मेटल भी बराबर है। अब बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इधर कितनी है 2, इधर ऑक्सीजन देखते हैं 1, तो इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई ऑक्सीजन भी हो गई बैलेंस। अब ऑक्सीजन तक काम खत्म हो गया, तो पीछे के को चेक कर लेंगे, मेटल 1 1, नॉन मेटल का मतलब क्लोरीन से क्लोरीन, इधर 4 और इधर भी 4, ऑक्सीजन को हमने अभी कर लिया, रह गया क्या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखते हैं इधर कितने हैं 4 और इधर भी कितने हैं 2 × 4, यानी कि हाइड्रोजन भी क्या है इक्वल, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों के दोनों क्या है एटम इक्वल। तो समझ में आ गया स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने ना अपने आप जानबूझ के इस तरीके का क्वेश्चन लिया है। C2H6 plus O2 is equals to CO2 plus H2O। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इधर पहले हम मेटल देखते हैं, इसमें पूरी इक्वेशन में कोई मेटल नहीं है, तो मेटल का काम खत्म। फिर किसका बात है नॉन मेटल का, नॉन मेटल का मतलब कार्बन, कार्बन कितने हैं इधर 2, इधर कितने 1, तो हमने 2 बना दिया इसको। ठीक है स्टूडेंट, अब तो आपको स्पीड आ गई होगी। अब देखते हैं हम किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितनी है इधर 2, सर जी 2, इधर देखते हैं 2 × 4 तो यहां है और 1 यहां है, तो टोटल हो गई 5। अब इधर कितनी है 5 और इधर कितनी है 2, अब तक हम सीधी मल्टीप्लाई करते थे और बराबर आ जाए, आ जाते, इस दो में मैं किस चीज की मल्टीप्लाई करूं कि ये इक्वेशन इधर भी हमारे पास, भाई इसमें मल्टीप्लाई करनी है, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर हो जाती है 6, कितनी हो जाती है 6, और अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर हो जाती है 2 × 4, 5 तो हो ही नहीं रही, क्या 5 हो रही है, नहीं हो रही। ठीक है स्टूडेंट,
बट हमें करनी कितनी है, इक्वल करनी है। अगर इधर पाँच है तो इधर भी कितनी होनी चाहिए, पाँच। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई ना करके किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लो। दो में किसकी मल्टीप्लाई करें, तो हम कह देंगे सर पाँच बटे दो की मल्टीप्लाई कर लेंगे, दो से दो कट जाएगा तो पाँच आ जाएगा। यानी कि इधर अब हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, किसी भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने क्या काम किया भाई, इधर दो थे और इधर पाँच थे, हमें इसको भी पाँच बनाना है। तो मैंने क्या काम करा, मैंने इधर पाँच बटे दो से मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया। अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो बहुत भद्दी लग रहा, भद्दी के इधर ही इसे हम सजा देंगे, दुल्हन की तरह सजा देंगे इसको अभी हम, देखना। हम क्या काम करेंगे, अब इस पूरी की पूरी इक्वेशन में हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। जब इस दो की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये हो जाएगा 2C2H6। ठीक है स्टूडेंट, अब इस दो की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी, दो की मल्टीप्लाई जब पाँच बटे दो में होगी तो दो से दो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ बच जाएगा हमारा 5O2। इस दो की मल्टीप्लाई इधर भी होगी तो दो दो नहीं 4CO2। फिर इस दो की मल्टीप्लाई इधर भी होगी तो ये कितना हो जाएगा 2H2O। यानी कि अब मेरी इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अब तो नहीं है कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करके आप बराबर कर लो और जो भी बटे में आएगा, यानी कि जो भी अपोन में है उससे सारी की सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो अपोन वाला वो है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलो अब देखते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस है क्या। कार्बन देखो दो दुनी चार, इधर भी कितने हैं चार, यानी कि कार्बन तो हो गया आपका बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट, कार्बन का मतलब नॉन मेटल। इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, पाँच दुनी दस, दस क्या है ऑक्सीजन, इधर देखते हैं चार दुनी आठ और दो यहाँ, तो कितने हो जाएंगे टोटल दस। यानी कि ऑक्सीजन भी क्या है आपकी बैलेंस, आपने क्या कर लिया ऑक्सीजन को भी क्या कर लिया बैलेंस। अब बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन देखते हैं भैया, छः दुनी बारह, बारह हाइड्रोजन किधर है इधर। अब इसे देखते हैं दो दुनी चार, इधर बारह हैं और इधर चार हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इन चार को बारह बनाना है, तो बारह बनाने के लिए क्या काम करेंगे हम, यहाँ से दो को हटा देंगे और दो की जगह क्या लिख देंगे हम छः, तो छः दुनी बारह कितनी हो जाएंगी इधर भी बारह। हाइड्रोजन क्या हो गई बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया ना, छः दुनी बारह तो उधर भी हमने कितना कर दिया बारह। बट जैसे हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं तो हमें पीछे का चेक करना होता है कि भाई हमारा हाइड्रोजन चेक की वजह से पीछे का तो सिस्टम खराब नहीं हो गया। तो देखा कार्बन देखो दो दुनी चार, इधर भी चार, क्लियर है। ऑक्सीजन देखते हैं पाँच दुनी दस और इधर देखते हैं चार दुनी आठ, तो यहाँ है और छः इधर है, तो आठ और छः कितने हो जाएंगे हमारे चौदह, आठ और छः कितने हो जाएंगे चौदह, तो इधर भी कितना होना चाहिए चौदह। तो हम क्या काम करेंगे, बना देंगे चौदह, तो इस पाँच की जगह यहाँ क्या लिख देंगे सात, तो सात दूनी चौदह। अब देखो पूरी इक्वेशन में किसी भी चीज़ को देख लो, सारी इक्वेशन बैलेंस है और ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। देखो कार्बन देखो दो दूनी चार, चार इधर है, सात दूनी चौदह इधर है ऑक्सीजन, और इधर कितने हो जाएंगे भाई आठ तो ये हैं और छः ये हैं, तो ये भी कितने हमारे चौदह। और अगर बात करते हैं फिर हाइड्रोजन की, तो छः दुनी बारह और छः दुनी बारह, तो हाइड्रोजन भी क्या है हमारी बैलेंस है। अब बचता है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बस एक ही रूल फॉलो करना है, मेटल के बाद नॉन मेटल, पर पीछे चेक करना है, फिर नॉन मेटल के बाद में ऑक्सीजन, फिर पीछे चेक करना है, और ऑक्सीजन के बाद में हाइड्रोजन, और फिर वापस से पीछे चेक करना है। और लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका, एफ ई एच टू प्लस ओ टू इज इक्वल टू एफ ई ओ थ्री प्लस फोर एस ओ टू। ये फोर नहीं है, यानी कि ये मैंने फोर वैसे लिख, चलो ये फोर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम मेटल, मेटल क्या है आयरन, आयरन इधर भी एक है और इधर भी क्या है हमारा एक है, आयरन तो हो गया बैलेंस। अब बात करते हैं किसकी, सल्फर की, यानी कि नॉन मेटल की। नॉन मेटल इधर दो है तो भाई इधर भी दो बना लो, दो बन गया। नॉन मेटल के बाद में दोबारा मेटल चेक करो, एक एक, उसके बाद में लास्ट में क्या बचता है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितने दो, इधर चेक करते हैं तीन, तो ये हो गए और ये कितने हो जाएंगे हमारे भाई दो दूनी चार, चार तीन सात, सात हो गए। इधर दो हैं और इधर सात है,
क्या दो में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके इसको सात, यानी कि इसमें इधर सात बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हम क्या काम करेंगे, हमने अभी पढ़ा है कि हम क्या करेंगे, सात बटे दो से इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे इसको, सात बटे दो से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। जब बटे में कोई चीज़ आ जाती है तो हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी को जो बटे में रहता है, अपॉन में रहता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2FeH2+7O2। इस टू की इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2FeO3+ इस टू की मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4SO2। तो स्टूडेंट्स अब आप देखोगे कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। कैसे, दो आयरन दो आयरन, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर सल्फर की बात करूँ, दो दूनी चार, चार इधर है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, सात दूनी चौदह, तो इधर हो जाता है ऑक्सीजन आपका, और इधर कितना हो जाता है, छः दूनी तीन दूनी छः, और चार दूनी आठ, आठ और छः चौदह, और चौदह क्या है हमारा, इधर है। तो यानी कि ये वाली इक्वेशन भी आपकी क्या है, बैलेंस है। तो आपने देखा कि आप इस मेथड से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, आपको गिव अप नहीं करना है। स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और मान लो उन्होंने क्या काम किया, मेटल के बाद नॉन मेटल को बैलेंस कर दिया, नॉन मेटल के बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करा, तो इधर का डिस्टर्ब हो गया। अब इधर का डिस्टर्ब हो गया तो फिर वो छोड़ते हैं कि यार क्या है, इसको छोड़ो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या है, रूल को फॉलो करना है, और इसी रूप पैटर्न पे चलना है कि एक स्टेप आगे चलेंगे तो फिर पीछे नेक्स्ट वाले स्टेप को चेकआउट जरूर करना है कि आपने जो लास्ट टाइम काम किया है वो बिल्कुल सही ऐसा एज इट इज रह गया, या उसमें आपको दोबारा से काम करने की जरूरत है, यानी कि उसको फिर से बैलेंस करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।